ग्वालियर प्रवास पर आए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के लिए कई सौगातें दी हैं। उन्होंने घोषणा की कि ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी पर एलिवेटेड रोड के प्रथम चरण के साथ ही दूसरे चरण के टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही ग्वालियर से इटावा तक फोर लेन सड़क निर्माण की घोषणा की। वहीं समारोह की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्वालियर विकास की नई उड़ानें भर रहा है, इसे और गति दी जाएगी। उन्होंने घोषणा की लगभग 926 करोड़ रूपये की लागत की परियोजना के तहत चंबल और कुतवाल डैम से ग्वालियर के लिए पानी लाएंगे, जिससे शहर के सभी 66 वार्डो में पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बतौर विशेष अतिथि मौजूद थे। ग्वालियर से योगेश विचारिया की रिपोर्ट। ग्वालियर अब विकास के पथ पर दौड़ेगा नहीं, उड़ान भरेगा उड़ान। आप चिंता मत करो ग्वालियर वालों, आप सबकी जानकारी में 450 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, 441 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन का उन्नयन हो रहा है और उसके साथ साथ इंटर स्टेट बस टर्मिनल भी बन रहा है। इन सब कामों को मैं दोहराना नहीं चाहता। आने वाले महीनों में ग्वालियर को नया रेलवे स्टेशन मिल रहा है, 550 करोड़ रुपए का नया स्टेशन मिलने वाला है। आने वाले दिनों में जो हवाई अड्डा मेरी आजी अम्मा के नाम पर है, राजमाता विजय राजे सिंधिया हवाई अड्डा, अब आप लोगों के आशीर्वाद से देश के हर कोने के साथ ग्वालियर जुड़ गया है। माननीय गडकरी जी ने हम लोगों को आज ग्वालियर में एलिवेटेड रोड दिया है, निश्चित रूप से यह बड़ी सौगात है। यह काम असंभव था, गडकरी जी नहीं होते तो मैं समझता हूं कि शायद इस काम की मंजूरी नहीं मिलती।